Once again, warm welcomes to you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान. एक बार फिर आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर स्वागत है. And today, in this video, we are going to discuss over here about the globe and the map. Sir, what are the differences between globe and map? At first, we should have to know about the meanings, broad meaning of globe and the broad meaning of map. सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि आखिर क्या differences हैं. What are the basic differences between globe and the map? Globe और map के बीच में basic differences क्या है, हमको समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे. मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की. और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा. वीडियो को देखने के बाद लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर लें. सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे. और साथ ही साथ, इफ यू आर फेसिंग एनी इवन द सिंगल बिट्स ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको कहीं से भी इस वीडियो में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नजर आती है, तो हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जाएं. नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट जरूर करें. आपके कमेंट का हमें इंतजार होता है. आप हमारे ब्रॉडकास्ट से भी जुड़े हुए हैं, आप वहां भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एनीवेज, लेट अस स्टार्ट ओवर हियर. द टॉपिक इज दैट ग्लोब एंड मैप. सर, ग्लोब सर, ग्लोब 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 ओहो सर, ये ग्लोब क्या हो? और मैप सर, ग्लोब एंड मैप बोथ आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ एंड एनी अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. सर, ग्लोब और मैप के एक हेल्प से हम लोग पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं. समझ में आ रही है? पर ग्लोब जो है बेटी, और मैप, मैप एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन. फ्लैट रिप्रेजेंटेशन मीन्स एज बोर्ड इज गिवन हियर, as board is given here, like that if the representation, flat representation is given about any geographical area, that is known as what? That is known as map. That is known as map. Answer, globe. Globe means what? तो sir, ये flat representation नहीं. जिस तरह धरती है round shape में, राउंड रिप्रेजेंटेशन है. मतलब एज द अर्थ इज इन रियली, वास्तव में जैसी दुनिया है, हमारी अर्थ है, लाइक जो रिप्रेजेंटेशन है, हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोब. दोनों में डिफरेंसेस है बेटा कि मैप को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ग्लोब ऑलरेडी जैसे है धरती, वैसे ही है, उसको समझने में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, अब सिर्फ मैप को हम लोग जो समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि हमारी धरती, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ग्लोब और मैप के और दुनिया के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, प्रॉब्लम होगी. तो सर, ये ग्लोब के बारे में अगर हम लोग जाने, तो ग्लोब को कैरी किया जा सकता है क्या? कैरी किया जा सकता है, लेकिन सर, बड़े से बड़े ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है. मैप, मैप को भी प्रॉब्लम होगी कैरी करने में. मैप को कवर्ड करेंगे, फिर बैग में फोल्ड करके रख देंगे, फिर कहीं दूसरे और जाकर खोल सकते हैं, लेकिन क्या इस ग्लोब को फोल्ड कर लेंगे, दूसरे तीसरे जगह जाकर खोलेंगे? प्रॉब्लम होगी. वी कैन फेस प्रॉब्लम. यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं सर. तो सिंपली हम लोग ग्लोब, लेकिन ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द होल पोर्शन ऑफ द अर्थ एज इट इज सीन इन रॉयली, वास्तव में जैसा है वैसा हम लोग ग्लोब में देख पाते हैं. पर मैप में क्या है बेटा? मैप में सिर्फ एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन होती है, जो पूरे एक पेज पर ही सारे को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और उसको समझने में थोड़ी सी समस्या होती है. कोई दिक्कत है बेटा? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द ग्लोब. सर, हमने एक फिगर बनाया है अर्थ का,
दिख रहा है, दिस इज द फिगर ऑफ अर्थ। समझने की कोशिश कीजिएगा हमारे साथ, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सर एज वी आर गेटिंग द अर्थ इज राउंड, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि धरती गोल है, पता बेटा, तो हमने गोल से बना लिया, हमारे ग्लोब भी गोल ही नजर आते हैं, जैसी धरती है वैसी नजर आती है, कोई प्रॉब्लम। इस पूरे ग्लोब पर दो पोल हैं, कितने पोल है बेटा, देयर आर टू पोल्स, हाउ मेनी पोल्स आर देयर आर, सर डायरेक्शन पहले जान लीजिए, डायरेक्शन को, आइदर यू आर गेटिंग मैप और यू आर गेटिंग ग्लोब्स, तो डायरेक्शन को पहले देखना बेटा, समझना, ये एन ओ आर टी एच, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, ओके, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट। आप भी जहां पर हैं आप अपने कॉपी के डायरेक्शन की तरफ आप मुंह करे खड़ा हो जाइए, आपकी राइट हैंड जिधर भी जा रहे बेटा दैट इज ईस्ट, लेफ्ट हैंड जिधर भी जा रही है दैट इज वेस्ट, सर के डायरेक्शन की ओर नॉर्थ और पांव के डायरेक्शन की ओर साउथ, डायरेक्शन जान लेना। इसका जो फर्स्ट लेटर है बेटा एन ए डब्लू एस, एन ई डब्लू एस, इसी से तो बना है बेटा एन ई डब्लू एस, मतलब क्या समझ गए होंगे, न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस न्यूज, एन ई डब्ल्यू एस न्यूज, इसी से बना हुआ, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ, चारों तरफ के बारे में जो जानकारी रखते हैं सारे डायरेक्शन को के बारे में, दैट इज नोन एज न्यूज, दैट इज नोन एज न्यूज। एनी प्रॉब्लम यू हैव सर, दिस इज पोल, दिस इज पोल, दिस इज ऑल्सो पोल, इट इज पोल, इट इज ऑल्सो पोल, पर डिफरेंसेस क्या है सर, इट इज इन नॉर्थ दैट्स वाई इट इज नॉन एज नॉर्थ पोल, इट इज इन साउथ दैट्स वाई इट इज नॉन एज साउथ पोल, समझ में आ रहे बेटा, ये पूरी अर्थ है, ये पूरी धरती है जिसमें एक साउथ पोल है दूसरा नॉर्थ पोल है, कोई दिक्कत। तो सर अर्थ दो अलग अलग हेमिस्फीयर में बट गया, यहां से अगर डिवाइड किया हमने पोल से एक लाइन, वन लाइन आई हैव ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, समझ में आ रही बेटा, अच्छा सर एक बात समझिएगा, काफी इजीली समझिएगा सर, अर्थ दो काम करता है, एक तो सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, एक क्या उल्टा, सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है, अनदर वर्क इज व्हाट कि खुद भी रोटेट हो रहा है, एक इस तरह से चल रहा बेटा, सपोज दिस इज द सन, सपोज दिस इज द सन, तो सन के चारों ओर अर्थ ऐसे चल रही है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और एक धरती खुद भी तो चल रही है सर, खुद भी तो चल रही है सर, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, दैट इज कॉल्ड
रोटेशन। धरती यदि अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है ऐसे बेटा, दैट इज रोटेशन। और अगर चारों ओर चल रही है स्तन के, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ओके सर, तो अर्थ को यहां पर रोटेट करना चाहिए था, पर दुर्भाग्यवश द अर्थ इज टिल्टेड 23.5 degrees नॉर्थ। द अर्थ हैज बीन टिल्टेड 23.12 degrees नॉर्थ, 23.12 degrees नॉर्थ। अच्छा सर, काफी आसानी समझना, यहां पर देखिएगा, दिस इज एक्सिस जिस पर धरती मूव कर रही है, इट इज ऑल्सो एक्सिस। सर ये नॉर्थ में है इसीलिए नॉर्थ एक्सिस, सर ये साउथ में है इसीलिए साउथ एक्सिस। और तो इस पर मूव करना चाहिए, इस पर ऐसे घूमना चाहिए, है ना, पर अर्थ यहां मूव कर रही है। इसीलिए ग्लोब खरीदिएगा तो ग्लोब दिखेगा थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब इस तरह से रहेगा, सीधा आता 90 degrees पर, यू कैन नॉट सी, 90 degrees पर नहीं होगा बेटा, टेल्टेड होगा। कितने डिग्री, कितने डिग्री बेटा, 23.12 degrees नॉर्थ। कितना डिग्री बेटा, हाउ मच डिग्री, हाउ मच डिग्री, 23.12 degrees नॉर्थ, झुकी हुई है, 23.12 degrees नॉर्थ झुकी हुई है। कोई दिक्कत है बेटा, थोड़ा सा भी? ओके सर, नाउ सी दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट सर, दिस इज व्हाट सर, ये क्या खींचे जा रहे हैं सर, व्हाट इज दिस सर, these all lines are latitude, these all lines are latitude sir, latitude मतलब क्या, तो सर ये सारे के सारे एक imaginary lines है, ये सारे क्या है बेटा, imaginary lines है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, latitude, क्या कहते हैं बेटा, latitude। अगर आपसे कोई पूछे latitude का definition तो क्या बताना है, क्या बताना है बेटा, ये लाइन जो देख रहे हैं इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब, एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब विच गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। सर इसको, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, सर कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेफ्ट टू राइट जाती है, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लैटिट्यूड। कोई दिक्कत है, सबसे छोटा लैटिट्यूड पोल के पास होगा, सबसे छोटा लैटिट्यूड पोल के पास होगा, सबसे छोटा लैटिट्यूड कहां होगा, पोल के पास होगा, और सबसे बड़ा लैटिट्यूड कहां होगा, तो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बीच में होगा, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अक्सर इसी लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है बेटा, और दिस लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज नोन एज व्हाट सर, इक्वेटर कहते हैं। इस लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड को क्या कहते हैं बेटा, इक्वेटर। दिस लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स व्हाट, द लैटिट्यूड विच डिवाइड द होल अर्थ इन टू टू इक्वल एरिया, आर यू गेटिंग मी, द लाइन और लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी लाइन और द लैटिट्यूड विच डिवाइड द अर्थ इन टू टू इक्वल एरियाज, दैट इज नोन एज इक्वेटर, दैट इज नोन एज इक्वेटर, दैट इज नोन एज इक्वेटर। अच्छा सर, लाइक दिस लाइन ऑल्सो गिवन,
दिस इज वर्टिकली लाइन, दिस इज वर्टिकल. प्रीवियसली वी हैव नोन अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल. और सर ये वर्टिकल लाइन क्या कहे जाएंगे? तो जितने भी वर्टिकल लाइन है वो सारे के सारे क्या है बेटा? वर्टिकल लाइन. दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? वर्टिकल लाइन इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड. अच्छा सर, अब लेटिट्यूड के बारे में कोई डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं, द ऑल द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस विच रिप्रेजेंट ऑन द विच प्रेजेंट ऑन द अर्थ और ऑन द ग्लोब, दैट इज नोन एज लैटिट्यूड्स. और सर ऑल द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. समझ में आ रही है बेटा? ये सब क्या है? ऊपर से जो नीचे आई है सारा लॉन्गिट्यूड्स है, और लेफ्ट टू राइट जितना भी गया वो क्या बेटा? लैटिट्यूड से. लेफ्ट टू राइट जितना भी गया वो क्या बेटा? लैटिट्यूड से. समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट? इक्वेटर. दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर से 23 होल 1/2 डिग्री ऊपर और 23 होल 1/2 डिग्री साउथ. सर इक्वेटर से जो एक लाइन ऊपर है 23 होल 1/2 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और सर उससे जो 23 होल 1/2 डिग्री नीचे है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सिंपल देखिए बेटा, दिस इज इक्वेटर. ये हमारा क्या होता? इक्वेटर. इक्वेटर से 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इक्वेटर से 23 होल 1/2 डिग्री नीचे आएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. समझने में कोई दिक्कत बेटा? नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं. होप की समझ में आ रही होगी. दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो बेटा अप्रॉक्स, ये दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस लगभग 111 किलोमीटर अप्रॉक्स. द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स ऑन द अर्थ अप्रॉक्स 111 किलोमीटर. अप्रॉक्स 111 किलोमीटर. कुछ कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके सर, हमारी धरती कहाँ है? हमारी धरती कहाँ है सर? सर दिस इज इंडिया. इंडिया का पोर्शन बेटा यहां से इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से में भारत है. देख रहा है इक्वेटर? दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर से ऊपर हमारी भारत है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वहां हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ का सिचुएशन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? इंडिया कितने डिग्री पर है और भारत में टाइम जोन जो है या दुनिया के अलग अलग देशों में जो टाइम जोन अलग अलग होता है, नेपाल चले जाइएगा वहां का टाइम कुछ और होगा, अमेरिका चले जाइएगा वहां का टाइम कुछ और होगा. तो ये जो टाइम डिफरेंस हो रहा है, टाइम जो वेरी कर रहा है, ये क्यों वेरी कर रहा है उसके रीजन के बारे में चर्चा करेंगे. कितने कितने डिग्री पर लैटिट्यूड्स है, कितने कितने डिग्री पर लॉन्गिट्यूड्स है और भारत किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर बसा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. तब तक आप घर रहिए और